फार्म पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, सुकून भरे पल होते हैं मेरे फार्म में। यहाँ पर इस तरफ ट्रैक्टर चल रहा है और उस तरफ लेबर काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में, नेचर के करीब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खुला वातावरण है। देखो ये सब काम कर रहे हैं मेरे अंडर में। मुझे किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वर्डन नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। जो मर्जी आती है वो करते हैं, जब कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पहनना है, कब पीना है, कब क्या करना है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। किसी का कोई वर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्लॉग में। और रात हम बुआ जी के घर पर आए थे भात भरने के लिए, तो करीब 5:30 बजे सुबह हम आ पाए हैं तीनों भाई। तो अब वो करीब 9:30 बजे उठा था और यहाँ पर फार्म पे लेबर मतलब आ चुकी है। ये फ़ोन किए जा रहे थे कि तुम भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, क्योंकि हली मतलब नहीं आई है। तो बस हली वालों से फ़ोन किया है तो वो आ रहे हैं। और अमरपाल भैया आपका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर हैं। वो रिश्तेदारी में गए हुए हैं तो अब पता नहीं वहाँ से आए आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं। अब एक और हली वालों से बात की है तो वो आ रहे हैं, तो देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। उसके बाद वो गन्ना बोने का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। और इस तरफ सुपरवाइज़र भी आ गए हैं, ठंड में खड़े हैं वो। और दूसरी तरफ उधर सोमवीर सुपरवाइज़र हैं, वो मतलब नाप रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं खेत के, कि मतलब कितना मतलब रकबा गन्ना मतलब हो जाएगा। तो ये पैमाइश होती है हर बार हर किसान की। मैं आपको लेकर चलता हूँ बच्चों की तरफ को और दिखाता हूँ आपके लिए कि वो कैसे ऐसे काट रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। बस पहुँचने वाला हूँ उनके पास में। यहाँ पर इन बच्चों की मस्ती चल रही है, और क्या मस्ती चल रही है वो मैं दिखाता हूँ आपके लिए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये देखो, ये अदर कार्ड पहन रखा है और ये सुमित, और उस तरफ मोतीलाल है, नीरज है और राजेश। इस तरफ का सारा गन्ना कट चुका है और वो रह गया वो वाला गन्ना, और वहाँ पर शीशम के नीचे जो गन्ना है वो भी कट चुका है, बाकी ट्रॉली में खड़ा गन्ना। और ट्रैक्टर आने वाला है गन्ना बोने वाला। गन्ना छीलते वक्त जो पताई बनी थी उसमें आग लगा दी है। और उस तरफ मेहनत पर जा रही हैं बच्चे। One hour later. इन बच्चों का लंच टाइम हो गया है और ये चले गए हैं लंच करने के लिए। और इस तरफ ये मोतीलाल जा रहे हैं फार्म हाउस पर, वहाँ पर इनका खाना आ गया है। फार्म हाउस पर बैठकर मतलब खाना खाएंगे। और मैं भी अब जा रहा हूँ घर के लिए, मैं भी कुछ खाता पीता हूँ। One hour later. लंच के बाद फिर से आ गया हूँ फार्म पर और ट्रैक्टर भी आ गया उस तरफ हली लेकर। अब उससे ट्रैक्टर से ही नाली बनेंगे, मैं दिखाता हूँ उसमें उससे नाली बनेंगे। और जो बच्चे हैं वो आने वाले हैं, पापा जी लेकर आना, तो ठीक है पहुँच रहे हैं उस तरफ। A few moments later. ये भैया मतलब हली को सेट कर रहे हैं इस साइड में, ये है ये नापना है 12 ग्राम पर मतलब दूरी होनी चाहिए। और अभी फिलहाल इनकी 14 ग्राम पर थी, तो 12 ग्राम पर होनी चाहिए। हम नॉर्मली जब भी बोते हैं ना गन्ना तो 12 ग्राम पर ही गन्ना बोते हैं, तो ये सेट कर रहे हैं 12 ग्राम पर। इन्होंने शुरुआत कर दी है नाली बनाने की, देखो ये नाली बन जाए। ये देखो ये ट्रैक्टर से लेकर आ रहे हैं नाली काटते हुए। इससे बहुत तो जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, जबकि बैलों की हल से मतलब काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है इतनी मतलब ये गुलर निकालने में, इससे काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो बैलों के हल है ना, उससे गन्ना एकदम हाथ का हैंड टू हैंड में दब जाता है, और मतलब उसमें पानी बना मतलब बरकरार रहता है गन्ने का, जबकि इसमें ऐसे में खुला हुआ रहेगा, कटेरा लगाना पड़ेगा उधर। A few moments later. गन्ना डालने की शुरुआत कर दी है बच्चों ने, मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखो नाली में गन्ना डालना है, इस तरीके से गन्ना पड़ा है। ये देखो, और उस तरफ से ट्रैक्टर मतलब ला रहा है नाली बनाते हुए, और उधर तीनों लोग मतलब गन्ना भर रहे हैं झुलिया में और बच्चों को दे रहे हैं। मुझे प्यास लग रही है और मैं घर पर जा रहा हूँ, दीपक भाई के लिए पानी लेकर आऊँगा, तो मैं भी पानी पियाता हूँ और दीपक भाई के लिए भी ले आता हूँ। फिर से आ गया हूँ फार्म पर और यहाँ पर ये गूलें काटने का काम चल रहा है।
और उस तरफ जो गन्ना है बीच में उस गन्ने को उठाकर मतलब दूसरी तरफ पर रखना है। ये देखो, और यहाँ से ट्रैक्टर आ रहा है गोल में निकालते हुए। फार्म पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, सुकून भरे पल होते हैं मेरे फार्म में। यहाँ पर इस तरफ ट्रैक्टर चल रहा है और उस तरफ लेबर काम कर रही है, बच्चे काम कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में, नेचर के करीब, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खुला वातावरण है। देखो ये सब काम कर रहे हैं मेरे अंडर में। मुझे किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वर्डन नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। जो मर्जी आती है वो करते हैं, जब कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पहनना है, कब पीना है, कब क्या करना है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। किसी का कोई वर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा लगता है। बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पर फार्म पर, प्रकृति की गोद में अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लगता है मुझे। सुखद पल होते हैं मेरे यहाँ पर। ट्रैक्टर से ये नाली बन रही है, लेकिन बीच में गन्ना आ गया था, ये गन्ना आ गया था और इस तरफ से गन्ना आ गया था, तो ये सारे बच्चे गन्ना मतलब नालियों में डाल रहे हैं उठा उठा कर, और ट्रैक्टर इंतजार कर रहा है यहाँ पर खड़े होकर कि कब खेत खाली हो और कब हम मतलब आगे, हाँ मतलब जो नाली बनाए गन्ना की, तो बस मेहनत कर रहा है बच्चे उस तरफ और मैं इस तरफ। One hour later. लगभग सारी गुला कट चुकी हैं और ये इस पोर्शन में रखेंगे थोड़ी सी साइड में, तो इधर जड़ें हैं काफ़ी, तो इसलिए धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं ट्रैक्टर के लिए, और उस तरफ बच्चे गन्ना डाल रहे हैं। और इसमें कल या फिर परसों को मतलब हल से भगवा देंगे, अमरपाल भैया के हल से कल तक ये फिनिश हो जाएगा, इसमें गन्ना पड़ जाएगा और इसे पटवा देंगे, फिर उसको ट्रेल लगवा देंगे। 5 बज गए हैं और 1 घंटा और काम करेंगे ये, 6 बजे के बाद इनका मतलब ऑफ हो जाएगा और ये अपने घर चले जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और कल इसी फार्म पर रहिएगा यहीं पर।